यार साहब क्या सवाल है आज का? तो पहला तो आपने ये कमेंट कर दिया, हमें बता दिया कि फलों वाले जो हम पौधे लगाएंगे वो नुकसानदेह साबित होंगे, लेकिन हमें एक अल्टरनेट भी चाहिए। प्योरीफिकेशन तो हमने माहौल की करनी ही करनी है, क्योंकि जितना ट्रैफिक बढ़ रही है, सारे माहौल आलूदा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको भी हमने किस तरह से ख़त्म करना है, इसके खिलाफ हमें जंग लेनी है। तो इसके लिए आप कौन से ऐसे पौधे हैं जो रिकमेंड करेंगे कि जिससे वो माहौल को भी साफ़ करें, वो एक हमारी सेहत के लिए अच्छा जो आंसर है वो साबित हो? जी बेशुमार पौधे हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट हैं, मुकामी पौधे हैं, तो उनको लगाना चाहिए। तो जैसा कि तिलखन है, इसको लगाना चाहिए, सिंबल हमारे यहाँ का पौधा है, इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा पार्किंसोनिया लगाना चाहिए, इसके अलावा कनेर है, इसको लगाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप नीम के पौधे भी लगा सकते हैं, दरख्तों के दरख्त अमलतास जो है इसके पौधे लगा सकते हैं, सुखचैन जो है इसके पौधे आप लगा सकते हैं। अगर आप फूलों के लिए चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर फूलों वाले पौधे हों, तो उसके लिए तबूबिया है, उसको लगा सकते हैं आप, गोल्ड मोर को लगा सकते हैं, जैकरोंडा जो है गुले नीलम से कहते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। तो फूलों वाले, उसके अलावा गुले निस्तर को लगा सकते हैं, बोतल ब्रश है, इसको लगा सकते हैं। तो ये इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, सड़कें भी खूबसूरत लगेंगी, सफ़र करने वालों को भी एक प्लेजेंट फील होगा, और ये हमें खूबसूरती देंगी, और जो क्या कहते हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंट को भी क्लीन करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो पौधे हैं ना, इनको है देखे ना, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी खूबसूरत उसकी वो बन जाती है, साया भी देता है, बिल्कुल हम उसको शेप भी दे सकते हैं जैसे हम चाहें, उसको बॉक्स में हाले गोल कर और जैसे स्प्रिंग के अंदर उसके जो लीव्स के कलर आते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है वो। तो बेशुमार इस तरह के हैं हमारे, जो श्रब्स वगैरह भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैकरोंडा की श्रब भी आती है, उसको क्या कहते हैं, सॉरी जैकरोंडा कह दिया, गुले फानूस की वो लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मुकामी तौर पे इनको, और इनकी फिर लेस केयर है, ठीक है, शुरू शुरू में इनिशियली है, उसके बाद फिर जब पौधे बड़े होते हैं तो इनके ऊपर फिर बीमारियों के मसाइल भी नहीं है, इनकी हिफाजत के भी नहीं है, लड़ाइयाँ भी नहीं है, बल्कि लोग खड़े होकर तस्वीरें खिंचाएंगे और इस तरह जो है ना उनके ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा ना, क्योंकि एक तो लोगों की जो मेंटल स्ट्रेस से निकलने के लिए खूबसूरत रोड पर सफ़र कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कारामद साबित होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।